दोस्तों नमस्कार, मैं रुद्राज एकेडमी क्लास पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम 6, 7 और 8 नवंबर को चलने वाला एग्जाम अब खत्म हो चुका है। अब एग्जाम खत्म होने के बाद में स्टूडेंटों के मन में सबसे बड़ा डाउट यह है कि क्या हमें फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, कितने नंबर पर हम फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले तो आपको ये बता देना चाहता हूँ कि चाहे आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आप 75 में से 75 ही नंबर ला रहे हो, क्योंकि रिटर्न का जो एग्जाम हुआ था 75 नंबर का हुआ था। अगर आप 75 में से 75 नंबर भी ला रहे हो तो दोस्तों अपनी तैयारी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, आप दूसरे एग्जामों की तैयारी चालू रख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अभी पटवारी का ग्राम सेवक जूनियर अकाउंटेंट सहित तमाम भर्तियां यहां पर आने वाली है। आप क्योंकि फिजिकल में आप ज्यादा से ज्यादा यहां पर 4 से 5 घंटे का वक्त यहां पर दे सकते हैं, बाकी जो भी आपका टाइम रहता है उस टाइम में आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो हमने ये बात बताया, और दोस्तों यहां पर स्टूडेंटों को डाउट को लेकर के हमने कट ऑफ का एक बड़ा एग्जिट पोल तैयार किया है, जिसमें हमने स्टूडेंटों को कमेंट पढ़ने के बाद, कई स्टूडेंटों से बात करने के बाद, पुरानी कट ऑफ का एनालिसिस करने के बाद ही हमने दोस्तों कट ऑफ का एग्जिट पोल तैयार किया है। और दोस्तों जितनी कट ऑफ हम बता रहे हैं, अगर आपके इतने नंबर आ रहे तो आप हमारे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। तो दोस्तों अब हम यहां पर चलते हैं कट ऑफ की तरफ। उससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर एब्सेंट और अटेंडेंस प्रेजेंट स्टूडेंटों की यहाँ पर कितनी संख्या थी, बात कर लेते हैं हम सबसे पहले तो 6 तारीख की यहाँ पर बात कर लेते हैं। 6 तारीख में दोस्तों यहाँ पर जो हिंदुस्तान टाइम्स है उसके द्वारा यहाँ बताया गया है, 6 तारीख को जो लगभग 5,81,253 स्टूडेंटों का पेपर था, जिसमें से केवल 4,03,570 स्टूडेंटों ने यहाँ पर पेपर दिया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 68.72% प्रेजेंट यहाँ पर स्टूडेंट रहे थे। उसके अलावा यहाँ पर 30 से लेकर के 32% जो स्टूडेंट थे वो एबसेंट रहे थे। बात करते हैं हम यहाँ पर अगली 7 तारीख की, यहाँ पर बात करते हैं 7 तारीख में आपके जो पेपर था वो था आपके यहाँ पर 3,00,000 अभ्यर्थियों की परीक्षा की व्यवस्था की गई थी। यहाँ पर लगभग आप 2,93,616 अभ्यर्थियों में से 7 तारीख की बात करें, लगभग 1,89,276 स्टूडेंटों ने यहाँ पर पेपर दिया है, लगभग 64% स्टूडेंटों ने। तो आप मान के चलिए कि लगभग यहाँ पर भी 30 से लेकर के 35% स्टूडेंट यहाँ पर एब्सेंट थे। उसके अलावा दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि राजस्थान कॉन्स्टेबल से भर्ती से जुड़ी पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों जो ओवरऑल यहाँ पर जो एग्जाम था आपके 5,000 सीटों पर लगभग आपके 5,000 सीटों पर आपके 17.5 लाख के लगभग यहाँ पर फॉर्म भराए थे। उसमें से अब एब्सेंट स्टूडेंटों को देखते हुए जो एग्जाम दिया होगा लगभग 12,00,000 से लेकर के 12.5 लाख स्टूडेंटों ने यहाँ पर पेपर दिया है। उसमें से भी आप मान के चलिए जो मेन कंपटीशन रहता है 2 से 3 लाख स्टूडेंटों से ही रहता है, और जो बिल्कुल जिनका सिलेक्शन होता है वो सिलेक्शन होता है 40 से 50 हज़ार स्टूडेंट जो रहते हैं, जिन्होंने दिन रात एक की गई थी कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा में, जिन्होंने दिन रात एक करी है, उसमें वो केवल उनकी जो संख्या रहती है 40 से 50 हज़ार स्टूडेंटों के बीच में रहता है। इसमें भी आपका लक, आपकी मेहनत सब कुछ यहाँ पर काम आता है दोस्तों। तो अब आप बात कर लेते हैं यहाँ पर फिजिकल के लिए, 5,000 सीटों पर फिजिकल के लिए जो क्वालिफाई किए जाएंगे वो 25,000 किए जाएंगे, मतलब 5 गुना स्टूडेंटों को बुलाया जाएगा, तो 25,000 स्टूडेंटों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। उसके बाद में आपके जब फाइनल रिजल्ट जारी होता है तो 1.5 गुना स्टूडेंटों को यहाँ पर पास किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप मान एक स्टूडेंट के बीच में यहाँ पर 5 स्टूडेंटों में से एक स्टूडेंट का यहाँ पर सिलेक्शन होगा, क्योंकि 25,000 में से 5,000 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होगा। और इस बार दोस्तों थोड़ी कट ऑफ हाई रहने वाली है पिछले वाले एग्जाम की तुलना में, क्योंकि पिछली बार आपने देखा होगा बी पार्ट में बहुत सारे स्टूडेंट लटक गए थे, इस वजह से पास नहीं हो पाए थे, लेकिन इस बार हुआ क्या, सभी पार्टों में मिला करके ही 40%, उसके अलावा एससी एसटी के 36% यहाँ पर नंबर लाने, तो इससे भी थोड़ी कट ऑफ ऊपर जाएगी। उसके अलावा पिछली बार आपकी जो टोटल जो पोस्ट थी वो 13,000 के लगभग थी, जिसमें 13 से लेकर के 14 लाख फॉर्म भराए थे, लेकिन इस बार क्या हुआ है 5,000 मतलब सीटें तो है कम, लेकिन जो फॉर्म भराए थे आपके 17.5 लाख भराए, जिसमें भी 12 लाख ने तो यहाँ पर पेपर 100% दिया है। तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कट ऑफ की। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं फीमेल की कट ऑफ की, फीमेल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाएगी। तो अगर जनरल फीमेल में अगर आपके 45 से लेकर के 48+ नंबर तक आ रहे हैं, 45 से लेकर के 48 के मध्य आपके नंबर आ रहे हैं, तो आप आज इसे फिजिकल की तैयारी चालू कर दीजिए। बात करते हैं ओबीसी फीमेल की, ओबीसी फीमेल में आपके 44 से लेकर के अगर 46 नंबर तक के बीच आप स्कोर कर रही है, ये बात करें हम 75 नंबर में, जी हाँ दोस्तों 75 नंबर का रिटर्न पेपर होता है। 75 में से जो जनरल वाली है वो 45 से लेकर के 48, उसके अलावा ओबीसी 44 से लेकर के 46, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर
SC ST और MBC की बात करते हैं। SC ST और MBC में अगर आपका 38 से लेकर के 42 नंबर तक आप स्कोर कर रही है तो आप 100% फिजिकल की तैयारी चालू कर सकती है। बात करते हैं हम यहाँ पर EWS की, तो EWS की कट ऑफ रहेगी दोस्तों फीमेल की वो 38 प्लस तक ही रहेगी, क्योंकि हाल फिलहाल के एग्जामों में आपने देखा होगा सभी भर्ती परीक्षा में EWS की सबसे कम कट ऑफ जा रही है, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पर प्रमाण पत्र बनाते जा रहे हैं बच्चे, तो यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ रहेगी 38 से 40 के मध्य आप मान के चलिए, लेकिन अगर आपके 38 प्लस तक नंबर आ रहे हैं तो आप 100% फिजिकल की तैयारी चालू कर दीजिए। बात करते हैं हम यहाँ पर मेल की, बात करते हैं यहाँ पर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती में जो मेल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल की। अगर जनरल में और जनरल के बॉयज अगर आपके जनरल में 45 से लेकर के 48 तक आपने स्कोर किया है तो आप फिजिकल की तैयारी चालू कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हम बात करें यहाँ पर जनरल मेल की कट ऑफ की बात करें, मैं फीमेल की बता दी थी गलती से, जनरल मेल की बात कर रहे हैं। अगर जनरल मेल में आपके 55 से लेकर के 58 प्लस तक आप स्कोर कर रहे हैं, 55 से लेकर 58 के मध्य में अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप 100% फिजिकल की तैयारी चालू कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यहां पर जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ रहती है वो जनरल मेल की रहती है, और इसका जो मेन रीज़न है वो एक तो बाहरी राज्य वाले विद्यार्थी आते हैं वो भी यहां से फॉर्म अप्लाई करते हैं जब राजस्थान से, तो जनरल से ही अप्लाई करते हैं, चाहे वो SC का हो, ST का हो, OBC का हो या फिर जनरल का हो, वो फॉर्म यहाँ पर जब अप्लाई करता है तो जनरल से ही अप्लाई करता है। उसके अलावा जो SC ST और OBC वाले स्टूडेंट रहते हैं वो भी जनरल से क्वालिफाई कर जाते हैं, इसी कारण से यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ रहती है वो जनरल की रहती है, तो जनरल की जो कट ऑफ जाएगी वो 55 से लेकर के 58 के मध्य यहाँ पर रहने वाली है, और अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप 100% अब फिजिकल की तैयारी चालू कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर OBC मेल की। OBC मेल में अगर आपके दोस्तों यहाँ पर 44 से लेकर के 6 दोस्तों अब बात करते हैं OBC मेल की बात कर रहे हैं, OBC मेल में अगर आपके 50 से लेकर के 55 नंबर तक आ रहे हैं तो आप 100% फिजिकल की तैयारी चालू कर दीजिए, क्योंकि जो कट ऑफ रहने वाली OBC मेल की वो 50 से लेकर के 55 के बीच में ही आपके OBC मेल की कट ऑफ रहने वाली होगी। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं यहाँ पर SC ST और MBC की बात कर रहे हैं, सबसे पहले SC ST की बात कर रहे हैं। SC ST और MBC में अगर आपके 45 से लेकर के 48 के बीच आप स्कोर कर रहे हैं तो 100% आप फिजिकल की तैयारी चालू कर दीजिए, क्योंकि SC ST और MBC की जो कट ऑफ रहेगी वो 45 से लेकर के 48 के मध्य ही रहने वाली है, इतने नंबर पर आप फिजिकल की तैयारी आज से ही चालू कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर EWS की बात कर रहे हैं दोस्तों, EWS में जो कट ऑफ रहने वाली है वो आपके लगभग मान के चलिए 48 से लेकर के 50 नंबर तक मेल की जो कट ऑफ रहेगी 48 से लेकर के 50 के मध्य रहेगी, अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी चालू कर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आज का इस सटीक अनुमान था हमने आपका सबका बता दिया, मेल की फीमेल की सबका यहाँ पर जितना कितना यहाँ पर एग्जाम दिया पूरा हमने एनालिसिस करने के बाद ये कट ऑफ तैयार की गई है दोस्तों, हमने एग्जिट कट ऑफ से क्योंकि कोई नहीं बता सकता। और दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले आपको कट ऑफ बहुत ही यहाँ पर 35 से 40 के बीच में यहाँ पर SC ST OBC की कट ऑफ बताएंगे, उसके अलावा जो OBC हो OBC कट ऑफ बताएंगे 45 प्लस यहाँ पर बता देंगे, उसके अलावा जनरल की कट ऑफ यहाँ पर 48 से 50 या फिर 45 प्लस तक यहाँ पर कट ऑफ बता देंगे, क्योंकि दोस्तों उनको अपने सब्सक्राइबर बनवाने से अपने व्यूज से मतलब है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आपके इतने नंबर आ रहे जितना हमने बताया तभी आप फिजिकल की तैयारी चालू कीजिए, अगर आपके इसके कम नंबर आ रहे तो दोस्तों आप यहाँ पर 100% दूसरे एग्जाम की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि कट ऑफ कम से कम इतनी तो रहने ही वाली है दोस्तों। अगर वीडियो सही लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें दोस्तों। धन्यवाद।